भी मुसलमान तस्कर हो, गौ तस्कर हो, लुटेरा हो, डकैत हो, वो कहीं मर जाए। तो 22-23 की धर्म संसद हम हमेशा माँ के यज्ञ के साथ ही करते हैं, तो 9 दिवसीय यज्ञ के साथ वो यज्ञ भी चलता रहेगा और यह अनशन भी चलेगा और धर्म युद्ध भी चलेगा। परंतु नप गया यति नरसिंहानंद, कोर्ट ने सुनाया ये फरमान। हरिद्वार की एक अदालत ने हाल में धर्म संसद का आयोजन करने वाले यति नरसिंहानंद को रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। हरिद्वार पुलिस थाने के थाना अध्यक्ष रकिंदर सिंह कठेत ने बताया कि नरसिंहानंद को रोशनाबाद जेल भेजा गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 295 क और 509 के तहत मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में डासना मंदिर के मुख्य पुजारी नरसिंहानंद को गंगा तट पर सर्वानंद घाट से शनिवार रात को गिरफ्तार किया गया था। कुछ आईटी के ऐसे मूर्ख हैं, वो कहते हैं जी अब अवार्ड वापसी गेम क्या कर रहा है, जहां वह धर्म संसद मामले में एक अन्य आरोपी जितेंद्र नारायण त्यागी उर्फ वसीम रिजवी की गिरफ्तारी के विरोध में सत्याग्रह कर रहे थे। हिंदू धर्म ग्रहण करने के बाद अपना नाम बदलकर त्यागी बने रिजवी भी जेल में है। नरसिंहानंद ने हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर तक धर्म संसद का आयोजन किया था, जहां कुल वक्ताओं ने मुसलमानों के खिलाफ कथित तौर पर घृणा फैलाने वाले भाषण दिए थे। संसद में कोई सवाल उठा है क्या? गौ तस्कर मरते हैं, भारत का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर रोता है। 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर ऐसे ही एक व्यक्ति ने जन्म लिया और उसने इस्लाम को क्रिएट किया। इस्लाम को क्रिएट करने के बाद उसने सबसे पहले जो वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे, जो अलग अलग तरह से मूर्ति पूजा करते थे, उन मूर्तियों को तोड़वाया और तोड़वा कर पहले अरब पर कब्जा किया। और धर्म संसद घृणा भाषण मामले में हरिद्वार में नरसिंहानंद और त्यागी सहित 10 से ज्यादा लोगों के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले की जांच विशेष जांच दल कर रही है। आप देख रहे हैं SD 24।